आज हम परमेश्वर के वचन से इस जन पाते हैं। पढ़ेंगे उत्पत्ति 18 बाब उसका 20 पद। उत्पत्ति 18 बाब और वी आई। उपरंत यहोवा ने आख्या सदूम और हिंदी में पढ़ा। देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया कि नहीं और ना कि ना किया हो तो मैं उन्हें जान लूंगा। कभी मैं पढ़ने दो। उपरंत यहोवा ने आख्या सदूम और अमूरा दा रौला बहुत बढ़ गया है और उन्हां दा पाप भी बहुत भारी है। 19 बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत को पढ़ेंगे। तद उन्हां मनुखां ने लूत नूं आख्या तेरे कोल होर कौन इत्थे है? अपने जवाइयां और पुत्रां और धीआं नूं और ओ सब कुछ जो तेरा इस नगर विच है बाहर लै जा, क्योंकि असी इस स्थान नूं इस लई नष्ट करन वाले हां कि उन्हां दी भूमि यहोवा दे अगे बहुत वध गई है अते यहोवा ने सानू इहदे नष्ट करन लई कल्या है। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिलचिलाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तो लिखा है कि सदूम और अमोरा का पाप जब बढ़ गया तो खुदा ने अब्राहम से कहा कि इसकी जो बदी है, इसका जो पाप है, वो क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। इसकी फिर से 18:20 को हिंदी में फिर से पढ़ दें। फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। तो जब सदूम और अमोरा का पाप भारी हो गया, पाप बढ़ गया, तो खुदा ने उसको नष्ट करने के लिए अब्राहम से बात की। तो दो दूत लूत के पास आए, सदूम और अमोरा में आए, और सबसे पहला जो संदेशा था लूत को जो उन्होंने दिया वो उसके न्याय का संदेशा दिया। कि हम इस शहर को क्या करने वाले हैं? सत्यानाश नष्ट करने वाले हैं, क्योंकि 13वें वचन में लिखा है 19:13 में, क्योंकि हम यह शतान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख ये शतान नष्ट करने पर हैं। तो पहला संदेशा लूत के पास जो उन दूतों का था वो क्या था? न्याय का, न्याय का। तो बाइबल में लिखा गया, जब हम दूसरा पत्रस 3:10 पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे
परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी अपने सारे कामों समेत, पृथ्वी का मतलब है कि उसके ऊपर रहने वालों के ऊपर भी न्याय आएगा और पृथ्वी पर भी क्या आएगा, न्याय आएगा। सब कुछ आग के लिए, न्याय के लिए खुदा ने ये कहा कि पृथ्वी, फिर से पढ़ेंगे पंजाबी में पढ़ो। परंतु प्रभु दा दिन चोर वांगू आवेगा जिदे विच आकाश थर्राटे नाल जलदे रहनगे अते मूल वस्ता वड्डे तौ नाल तप के टल जाणगे अते धरती उना कारागरिया सने जो उस विच जल बल जावे। पृथ्वी जो है उन सभी कारागरियों समेत जो उसमें हैं, तो हर एक वस्तु न्याय, ये न्याय के बारे में लिखा गया है कि पृथ्वी पर भी न्याय होगा, उस पर रहने वालों का भी न्याय होगा आग के साथ। तो सदूम और अमूरा को भी किसके साथ नष्ट किया जा रहा है, आग के साथ। तो जब न्याय होता है, अब्राहम को खुदावन खुदा ने कहा कि सदूम और अमूरा का पाप जो बदी जो है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो दूतों ने कहा कि हम इसको क्या करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। इसी तरीके से आपने बहुत समय से ये भविष्यवाणियां भी सुनते आ रहे थे, जिसमें से एक भविष्यवाणी थी कि जैसे नूह के समय में बहुत समय पहले नूह से प्रचार करवाया गया था, बहुत समय पहले प्रचार करवाया गया था, फिर उनके ऊपर क्या हो गया, न्याय अर्पण कि जल पर लो आ गए। पहले उसने प्रचार किया कि ऊपर लो आने वाले हैं। इस संगत में जो इस जगह में जितने लोग कॉन्टैक्ट रखते हैं, जो संगत करते हैं, या जो नेट के वसीले से सुनते हैं, या बाहर से जितने भी भविष्यवाणियों को सुना है, तो बहुत पहले से ही प्रभु ने जो प्रकट कर दिया था कि ऐसी बीमारी आने वाली है जिनका कोई भी इलाज नहीं होगा, डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे। बहुत सी बीमारियां आने वाली हैं, ऐसे करके भविष्यवाणियां थी। तो बहुत समय पहले बहुत जगह पर ये भविष्यवाणियां हुई। जैसे कुछ दिन पहले नेट पे एक वीडियो के बारे में पता चला कि खुदा के खादम अमोस सिंह, जिन्होंने कहा कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसा भविष्यवक्ता नहीं था कि जिसके ऊपर ये प्रकट किया गया हो। ये जो आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, कि कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था जिसके बारे में, जिसके ऊपर ये भेद खोला गया हो। लेकिन आप जो संगत करते थे इधर, जिन्होंने इधर सुना है, या जहां जहां इबादत करने का मौका मिला और उधर भविष्यवाणी हुई थी, तो पहले से ही ये प्रचार हुआ था कि ये समय आ रहा है। और 19 की रात को भी वो भविष्यवाणी हुई थी कि आग लगने जा रही है, 19 में ही लगेगी। तो ये जो अभी भी बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कब ये लॉकडाउन खुलेगा, नेक्स्ट क्या होगा, ये खुदा की तरफ से है, ये जो खुदा ने पहले से प्रकट किया था। क्यों, जब हम पहला पत्रस 4:17 वचन पढ़ते हैं, क्यों जो समा आ पहुंचा भई परमेश्वर दे घरों न्यौ शुरू होवे, अते जे को पहला साथों शुरू होवे तां उन्हां दा अंत की होवेगा जेडे परमेश्वर दी खुशखबरी नू नहीं मनदे। क्योंकि वह समा आ पहुंचा है, क्योंकि वह समा आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए।
और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। कहता कि अगर वो न्याय का आरंभ हमसे ही शुरू हो तो उनका क्या होगा जिनके पास अभी खुदा का वचन नहीं पहुंचा या जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना या खुदा के वचन से वो नावाकफ है जो खुदा को नहीं जानते सच्चाई से दूर हैं वो प्रभु के वचन को नहीं जानते उनका कहता क्या होगा। तो कहता कि वो समय आ पहुंचा है कि न्याय जो कहां से शुरू हो परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर के घर से तो इसका मतलब है कि ये जो कोरोना वायरस के बारे में आप सुन रहे हैं तो विश्वनी हुई कुछ समय पहले के जो कंट्रियां मेरे भय में हैं और मेरे वचन में हैं उनको लहू में क्या किया जाए सेव किया जाए आपने सुना होगा। तो इसका मतलब है कि प्रभु जानते थे कि वो मौत का फरिश्ता क्या करने वाला है वो कोरोना वायरस से मौतों की गिनती अभी बता रहे थे कि अमेरिका में कितनी होगी 77,000 तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि प्रभु ने पहले से नूह के समय में पहले से प्रचार कराया गया। लूत के पास 3 संदेशे पहुंचे थे। पहला संदेशा क्या था न्याय का कि हम इस स्थान को क्या करने वाले हैं नष्ट करने वाले हैं। तो प्रभु के लोगों के पास इधर अभी भी संदेशे पहुंचे थे। पहले संदेशे पहुंचे थे कि वो आग लगने वाली है परखने वाली आग लगने वाली है वो बीमारियां आने वाली हैं जिनका कोई इलाज नहीं होगा डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पहले अलर्ट कर दिया जाता है उस न्याय के बारे में बता दिया जाता है जैसे लिखा गया है कि ये जो पृथ्वी है और इस पे रहने वाले हैं ये भी न्याय के लिए रखे हुए हैं आग के लिए रखे हुए हैं पृथ्वी सब कारागरी उसमें समेत क्या हो जाएगी जल सड़के राख हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि न्याय होता है। तो पतरस ने कहा कि वो समय आ पहुंचा है कि वो पहले सबसे पहले कहां से शुरू हो परमेश्वर के घर से ही शुरू हो। इब्रानियों 3:6 में लिखा है कि हम सब परमेश्वर का क्या है घर है पढ़ेंगे परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। कहता कि उसका घर कौन है हम हैं। तो इसका मतलब है कि कहता हमसे ही वो क्या हो जाएगा न्याय शुरू होगा। जब हम वचन संहिता 135:14 यशायाह 33:22 वचन पढ़ते हैं यशायाह 33:22 वचन संहिता 135:14 यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा को देखकर तरस खाएगा। यहोवा तो अपनी प्रजा का क्या करेगा न्याय चुकाएगा। और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। यशायाह 33:22 क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी यहोवा हमारा हाकिम यहोवा हमारा राजा है वही हमारा उद्धार करेगा। तो कहता कि यहोवा हमारा क्या है न्यायी है वही हमारा हाकम है वही हमारा व्यवस्था देने वाला है वही हमारा क्या करेगा उदार करेगा। तो इसका मतलब है यहोवा क्या है न्यायी है न्याय होगा। तो आपने ये भी भविष्यवाणियां सुनी थी कि एक एक का न्याय किया जाएगा जिन्होंने सच्चाई को क्या किया था दबा लिया था। इन भविष्यवाणियों को खुदा की आवाज को दबाने की कोशिश की
दूसरों तक उस सच्चाई को फैलाया नहीं कि ऐसा वक्त आने वाला है। क्या आप चौकस हो जाएं, प्रभु की ओर लौट आए। जो लोग सच्चाई को दबाते हैं उनके ऊपर से पहले कहता कि न्याय कहां से शुरू होगा, खुदा के घर से शुरू होगा। तो लेवी वस्ता 19 बाब जब उसका 15वां वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि खुदा किसी का भी पक्षपात नहीं करता। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु दो या तीन साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। तुसा न्यो विच कोई अन्यो ना करना, तू कंगाल दी रही ना करी, ना समर्थी दा लिहाज। ये वचन इसको पढ़ेंगे फिर से पढ़ो। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु दो या तीन साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। उर्दू में फिर ये ट्रांसलेशन सही है, इसको पढ़ें। तुसा न्यो विच कोई अन्यो ना करना, तू कंगाल दी रही ना करी, ना समर्थी दा लिहाज करी। तो ये लिखा गया कि कंगाल की रही किसी ना, तो गरीब का पक्षपात होगा ना किसी समर्थी का, किसी अमीर का। तो खुदा के सामने राजा हो, खुदा के खादिम हो, या कोई भी हो, पक्षपात न्याय में, पक्षपात न्याय में पक्षपात नहीं होगा। जैसे दूसरा सैमुएल उसका 25 चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके दाऊद का क्या हुआ, दाऊद एक राजा था। दानियल 4:23 जब हम पढ़ते हैं तो नबूकदनेस्सर क्या था, एक राजा था। लेवी वस्ता 10 का जब पहला और दूसरा वचन पढ़ते हैं तो उधर याजकों का क्या किया जा रहा है, न्याय किया जा रहा है। लेवी वस्ता 10 का पहला दूसरा वचन हिंदी में, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने, नादाब और अबीहू इन दोनों का क्या, याजकों का क्या किया गया, न्याय किया गया। पढ़ेंगे। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसने धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने ही मर गए। उन दोनों को क्या कर दिया, भस्म कर दिया। तो इसका मतलब खुदा का ये नियम है कि तू किसी का पक्षपात, न्याय में पक्षपात नहीं करना, किसी स्वार्थी का पक्षपात नहीं करना, किसी गरीब का पक्षपात नहीं करना। इसका मतलब कि खुदा किसी का पक्षपात नहीं करता, राजा हो, याजक हो, या आम इंसान हो। अकान जो था वो क्या था, एक आम इंसान था, उसका भी क्या किया गया, न्याय किया गया। जहां बहुत ही बड़े लोग हों, जब बहुत ही खुदा के नजदीकी हो, मूसा हारून और मरियम क्या थे, बड़े थे, बड़े कारण, तो उनका भी क्या हुआ, न्याय हुआ। केले यहूदा हनानिया और सफीरा का क्या हुआ, न्याय हुआ। इसका मतलब कि किसी का पक्षपात नहीं, अमीर का, गरीब का नहीं, राजा हो, याजक हो, आम इंसान हो, चेले हो, सभी का क्या किया गया था, वहां न्याय किया गया।
तो खुदा किसी का भी पक्षपात नहीं करता क्योंकि वो न्यायी है। तराजू जो होता है उसमें जो वेट होता डाला जाता है उसने क्या करना है, तकड़ी जो होती है उसने क्या करना है, तराजू ने क्या करना है, पूरा पूरा तोड़ना है। जब लिखा गया मने मने तकेल, आपने ये भी भविष्यवाणियां सुनी है कि इस वचन को हमेशा अपने जीवन को क्या कर रखना है, याद रखना है। तकेल का क्या मीनिंग था कि तू तोला गया और कम निकला, इसलिए खुदा का न्याय तेरे ऊपर आ पड़ा है। इसका मतलब हर एक को तोला जाता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके साथ खुदा ने पक्षपात किया हो। न्याय एक, आपने इधर भी बहुत सारे लोगों के बारे में कई ऐसे चुने हुए के बारे में भविष्यवाणियां सुनी हुई हैं कि आपको इन बातों का क्या करना पड़ेगा, आपका न्याय होगा इन बातों के अनुसार। तो इसका मतलब है कि खुदा किसी का पक्षपात नहीं करता और कहता कि वो समय आ पहुंचा है कि सबसे पहले न्याय कहां से शुरू हो, परमेश्वर के घर से। परमेश्वर का घर कौन है? हम हैं। हम सब खुदावत खुदा का क्या है, घर है। हनानिया सपीरा को क्या कहा गया था जब प्रेरितों के काम 5:1-5 पढ़ते हैं, हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव में आगे रख दिया। पत्रस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो उन्होंने किससे झूठ बोला था? पवित्र आत्मा से। पत्रस से ये तो नहीं लिखा गया कि पत्रस से झूठ बोला था। कहा उन्होंने किससे था? पत्रस से आकर। पत्रस ने किस क्या कहा कि आपने उसके खादम के साथ झूठ नहीं बोला। किसके साथ झूठ बोला है? पवित्र आत्मा से। जब सेवक के साथ कोई झूठ बोलता है तो वो सेवक के साथ झूठ नहीं बोलता, किससे बोलता है? पवित्र आत्मा से। कहता कि आपने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला है। हाँ जी, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली। तो इसका मतलब है कि जो गलत बात होती है वो शैतान की ओर से होती है। शैतान इस्तेमाल करता है। ये तेले थे, हनानिया सपीरा भी क्या थे? तेले थे। तो ये नहीं हो सकता कि तेलों को शैतान इस्तेमाल ना करे। चेलों के मन में शैतान बात नहीं डाल सकता। इसका मतलब है कि शैतान बात डाल सकता है। तो न्याय फिर उस वैसा ही होगा। आगे, कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे बस में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। तो इसका मतलब है कि शैतान ने उनके अंदर वो विचार डाले। कहता कि तूने भूमि क्या, जब तक वो तुम्हारी थी तो तुम्हारी नहीं थी। जब उन्होंने ठान लिया, जब उन्होंने सोच लिया कि ये किसकी है, खुदा की, जब हम खुदा के लिए कुछ ठान लेते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, खुदा का हो जाता है। वो समय खुदा का हो जाता है। चाहे आप फास्टिंग के लिए ठान लें, या जिस बात के लिए भी ठान लें, खुदा के समर्पित होने के लिए ठान लें, खुदा की इच्छा को पूरा करने के लिए ठान लें, तो खुदा ने अंदर को देखना है। तो उन्होंने क्या किया,
कि लिखा गया है कि खुदा किसी का भी पक्षपात अमीर का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो समर्थी हो चाहे वो गरीब हो, न्याय एक जैसा होता है। तो जैसे बाइबल में हमने कुछ लोगों के बारे में ये सुना है कि उन सभी का राजे थे, याजक थे, चेले थे, आम इंसान थे, सबका क्या हुआ? न्याय हुआ। तो न्याय तब होता है जब बदी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहा गया कि इस जगह को, इस स्थान को हम क्या करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। खुदा ने अब्राहम से कहा कि इनका पाप क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, इनकी बदी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो लूट के पास पहला ही संदेशा क्या था कि हम इस स्थान को क्या करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। पहला संदेशा जो था वो क्या था, न्याय का था। तो इधर जब भविष्यवाणियां होती थी, एक बार एक खादम थे तो एक जगह जाने का मौका मिला, उधर वो सेवक थे, तो उनके वहां एक संगत करने वालों ने किसी ने दर्शन देखा, उनके वहां वो संगत करते थे, तो उनको दर्शन का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जब पूछा कि इस मीनिंग का क्या अर्थ है, उस खादम ने पूछा, तो जो उसका अर्थ था मैंने बता दिया। तो इतने में बहुत गुस्से में आ गए कि क्या हमारा न्याय प्रभु ने अभी कर भी दिया है। उसमें उसके न्याय के बारे में दिखाया गया था, उस खादम का न्याय हो गया, उसके बारे में दिखाया गया था। कहते न्याय तो बाद में होना है जब हम इस संसार से जाएंगे, क्या हमारा न्याय कर भी दिया प्रभु ने। तो मैंने इन आंखों से देखा कि जैसा वो दर्शन था उनके जीवन में पूरा हो चुका है, न्याय हो चुका है। तो इसका मतलब है कुछ लोग नहीं मानते उस वक्त, लोग अलर्ट करते हैं, चेतावनी देते हैं। इसराइली लोगों ने उन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने भविष्यवाणियां की अलर्ट किया वो अलर्ट नहीं हुए, उन्होंने उन चेतावनियों को नहीं माना। नूह ने जल पलों के बारे में अलर्ट किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम तो पहाड़ी, इतने ऊंचे पहाड़ हैं, यहां कहां बारिश आ जाएगी, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, पहाड़ों में भी कभी उन्होंने सोचा होगा कि बारिश पानी इतनी ऊपर भी आ सकता है। लेकिन जब वो वक्त आया फिर के पास बचने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, कोई भी रास्ता नहीं था। नूह और उसका परिवार ही उस किश्ती में क्या हो सके, बच सके, सवार हो सके, बच सके। लूत के बारे में लिखा गया कि उसने अपने दामाद, जो उसके होने वाले दामाद थे, उनको जब बताया कि खुदा का न्याय स्थान के ऊपर, खुदा स्थान का न्याय करने जा रहा है, खुदा शहर को नष्ट करने जा रहा है, उसके होने वाले दामादों ने क्या किया, उस पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। वो भी क्या हो गए उस शहर, जब वो शहर जल रहा था तो वो भी साथ में क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो आज बहुत सारे लोग खुदा की बातों पे विश्वास नहीं करते, भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करते, भविष्यवक्ताओं को तुच्छ जानते हैं। तुच्छ जानने वालों, वो वक्त आ चुका है कि वो न्याय शुरू हो चुका है। आपने इस बात पे विश्वास नहीं किया था कि वो आग लगेगी। कुछ लोग कहते थे कि पंजाब को छोड़ दिया जाएगा, अभी पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के कितने केस बढ़ रहे हैं। वो आग लग चुकी है। तो इसके बारे में अपराना शाला में थोड़े दिन पहले, जब कोरोना वायरस शुरू होने से थोड़े दिन पहले गए थे, तो प्रभु ने कहा जी तो अभी एक छोटा सा ही क्या है, ये जो दुख है एक छोटा सा है, अभी आने वाला जो बड़ा दुख है उसका सामना ये लोग कैसे करेंगे। तो अभी भी प्रभु उन लोगों के लिए ये दुआ करा रहे हैं कि वो उस वक्त से गुजर सकें। इसका मतलब है कि वो कठिन है। तो आपको जागना होगा, अपनी बंद आंखों को खोलना होगा। आपको न्याय के बारे में पहले से प्रकट कर दिया गया था,
अभी भी वो भविष्यवाणियां हो रही हैं कि आप समझ जाए, आप लौट आए। लूत को कहा, जो कुछ तेरा है इस शहर से लेकर क्या हो जा, निकल जा। उसको जो सबक मिल गया, आपको जो सबक मिला है, भविष्यवाणियां सुन चुके हैं। अपने परिवार के लिए दुआ करो, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी जान पहचान वालों के लिए, एक दूसरे के लिए दुआ करो वो निकल सके। आपको लड़ किया गया, हो सकता लूत के दामादों की तरह आपके भी रिश्तेदारों में ऐसे मिल जाएं जो आपकी बातों पर विश्वास ना करें, लेकिन जब वक्त आया तो वो न्याय आन पड़ा। अभी आपके ये सोचने का वक्त नहीं है कि कौन विश्वास कर रहा है या कौन नहीं विश्वास कर रहा है, आपकी बात कौन मान रहा है या नहीं मान रहा। दुआ करें, ज्यादा दुआ करें कि उनकी समझ खुल जाए, वो मान जाए, वो लौट आए, वो खुदा की तरफ लौट आए। तुझ जानने वाले भी लौट आए, जिन्होंने अपने हृदयों को कठोर कर रखा है वो लौट आए, क्योंकि लिखा गया है कि लूत की बीवी की तरफ। विश्वानी भी आपने सुने कि लूत की बीवी की तरफ क्या करो, देखो जब उन लोगों के ऊपर न्याय आन पड़ा था उन लोगों की तरफ देखो। क्योंकि ये धरती न्याय के लिए ही रखी गई है, सारी कारागरियों समेत, सभी इंसानों समेत, ये सब जल सड़ जाएगा, राख हो जाएगा। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लूत के पास दूसरा संदेशा था, क्या संदेशा था? दूसरा संदेशा पढ़ेंगे 19 का 14 वचन से। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। आगे जब कौफ उठने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में बसन हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। तो दूसरा संदेशा छुटकारे का संदेशा। कौन सा संदेशा था? छुटकारे का संदेशा। उसके दामादों ने क्या किया? ठट्ठा किया। जैसे आज भी बहुत सारे भविष्यवाणियों का क्या उड़ाते हैं? ठट्ठा उड़ाते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। देखने वाले हैं आप सब लोग, एक एक बात को पूरी होते देखेंगे आप, जो जो खुदा ने कहा था। तो दूसरा संदेशा क्या था? छुटकारे का संदेश है। आप तक भी अभी भी छुटकारे का संदेश पहुंच रहा है कि लौट आए। खुदा की दया को तुच्छ मत जानो। ये खुदा की दया थी कि अभी तक आपको खुदा ने संभाले रखा, लेकिन वो समय क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। दूसरा संदेशा था छुटकारे का संदेशा। उनको, लूत और उसकी पत्नी और उसकी बेटियों को हाथ पकड़कर उस नगर से क्या कर दिया गया था? बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया, उस स्थान से निकाल दिया गया। छुटकारा, उनका छुटकारा हो गया उधर से, कि यहां उनका न्याय आने, यहां खुदा का न्याय आने वाला था, उस शहर नष्ट करने वाला था खुदा। लेकिन लूत के ऊपर खुदा की दृष्टि थी, खुदा की
कृपा थी, अनुग्रह था खुदा का। तो लूत और उसकी बीवी और उसकी बेटियों को क्या किया गया, उस नगर से बाहर निकाल दिया गया, उनके हाथ पकड़कर, जिस छुटकारे को दर्शाता कि उनका छुटकारा वहां से क्या हो गया, छुटकारा हो गया। तो आज भी आप तक अगर आप उन बातों को नहीं छोड़ेंगे जो प्रभु ने आपसे कही हुई हैं, आपने विश्वानियां सुनी हुई हैं, पवित्र आत्मा आपको याद कराएगा, आप फिर से दुआ करें कि पवित्र आत्मा मेरे बारे में जैसा जैसा विश्वानियां हो चुकी हैं, मैंने जैसे जैसे तेरे वचनों को सुना है, मैंने तेरे वचनों के ऊपर अमल नहीं किया, मैंने उन भविष्यवक्ताओं की बातों पर अमल नहीं किया, मैंने उन बातों को तुच्छ जाना है, मेरे को फिर से याद करा प्रभु, मुझे याद करा, मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूं, मैं निकलने के लिए तैयार हूं, मैं तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूं। तो आप छुटकारे में आ जाएंगे अगर आपने अपने हृदय को ऐसे कठोर रखा। तो लिखा गया है कि न्याय कहां से शुरू होगा, परमेश्वर के घर से ही। जो जानते हैं, जो खुदा के वचन को सुन चुके हैं, जो विश्वक्ताओं के द्वारा विश्वानियों को सुन चुके हैं और उन्होंने अपने आप को चौकस नहीं किया, उन्होंने अपने आप को उन बातों के लिए समर्पित नहीं किया, जब जल पर लो आई तो कितनों ने भागकर उसके अंदर जाने की कोशिश की होगी, लेकिन दरवाजा क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। जब सदूम और मोरा में आग उतरी होगी, भागने का भी मौका नहीं मिला होगा। ऐसा ना हो कि किसी का दरवाजा बंद हो जाए और आग उतर आए, आपको भागने का भी मौका ना मिले। उन बातों के ऊपर जो प्रभु आपके बारे में कह रहे हैं उनको तुच्छ मत जाने, ये तुच्छ जानने का समय नहीं है। प्रभु आपको छुटकारे के लिए, क्योंकि आपके ऊपर दया है, लूत के ऊपर दया थी, उसकी पत्नी उसकी बेटियों के ऊपर दया थी, कि उनके हाथ पकड़ कर उस नगर से क्या कर दिया गया था, प्रभु आपके हाथ पकड़ कर उन बातों से बाहर निकालना चाहते हैं जो आपके लिए दुख का कारण बन सकती है। आपको उस पाप से निकलना होगा, आपको अपनी इच्छाओं से निकलना होगा, अपनी मर्जी के रास्तों से निकलना होगा, अपनी मर्जी के रास्तों को त्यागना होगा, अपनी इच्छा के रास्ते को त्यागना होगा, अब ओ उन सभी गलत रास्तों को त्यागना होगा, निकलना होगा जैसा प्रभु ने आपके लिए ठहराया हुआ है, जो मार्ग आपके लिए रखा हुआ है उसी पर चलना होगा। विश्वानियां जी भी सुन चुके हैं कि अपने अंदर से मैल निकाल दो, ऐसा ना हो कि आग तुमसे वो क्या करे, मैल को निकाले। अभी निकलो, छुटकारे का समय है, कि ऐसा ना हो कि आग आ जाए, क्योंकि न्याय सबसे पहले कहां से शुरू होगा, खुदा के घर से ही, और खुदा का घर आप है। हर ये मिट्टी का पुतला, खाक का पुतला, ये खुदा का घर है। तो कहता उनका क्या होगा जिन्होंने सुसमाचार भी नहीं सुना, जिन तक खुदा का वचन भी नहीं पहुंचा। पहले न्याय कहता अगर हमसे ही शुरू होने का मतलब है कि जो सच्चाई को जान चुके हैं। तो आप जितने जान चुके हैं आप लौट आए, वो वक्त है। ऐसा ना हो कि वो न्याय आ पड़े, कि वो दुखों की आग आपको घेर ले, वो आग आपको घेर ले। निकल आए, अभी भी वक्त है। ये तो छोटा सा कोरोना जो है, ये तो छोटा सा दुख है, ये बहुत बड़ा नहीं है। बड़ा आने से पहले ही आपको क्या करना है, निकल प्रभु की इच्छा में आना है, उसके वचन में आना है, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में आना है, ताकि आप सुरक्षित हो जाएं, आप सुरक्षा में आ जाएं। आपने निकलना है,
कश्ती में होंगे तो सुरक्षा में होंगे। कश्ती के बाद क्या है? आपके लिए खतरा है। उस पाप वाले नगर में आपके लिए खतरा है, वो डाल जाएगा। अभी भी अपनी जिंदगी पर, अपने आत्मिक जीवन पर गौर करें। कुछ लोग गौर नहीं करते, जब पाप से चिताए जाते हैं, जब पाप से जानू होते हैं, गौर नहीं करते। यूहन्ना की झील 8:9 में लिखा हुआ है, 8:9 पढ़ेंगे। यूहन्ना की झील 8:9 उसका नाम है। परंतु वैद ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रही। जब एक जना करती हुई औरत पकड़ी गई, उस सभी लोग क्या चाहते थे कि उसको पत्थर मार कर क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। तो यीशु ने क्या किया? क्या किया? इसका 8वां वचन भी पढ़ेंगे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। हाँ जी। परंतु वह ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। और इसे लिखने लगा, जब उनके पाप लिखे गए धरती के ऊपर, तो एक एक करके बड़ों से लेकर छोटों तक सब क्या कर हो गए। इसलिए इसका मतलब है कि उन्होंने पाप के साथ समझौता कर लिया, पाप का इकरार नहीं किया, अपने पाप को माना नहीं, चुपचाप निकल गए। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो चुपचाप निकल जाते हैं, वचन सुनते हैं, भविष्यवाणियां सुनते हैं, अपने आत्मिक जीवन पर या अपने जीवन पर गौर नहीं करते। वो पाप के साथ समझौता कर लेते हैं, चुपचाप खिसक जाते हैं। वो कहते कोई बात नहीं, वक्त आएगा तो। तो इन लोगों ने भी क्या किया था? पाप के साथ क्या कर लिया? समझौता कर लिया, निकल गए, उसको छोड़ा नहीं। जब यीशु ने उंगल से उनके पाप को जमीन में लिखा, एक एक करके निकल गए, बड़ों से लेकर छोटों तक। तो यीशु ने कहा कि पत्थर किसी ने नहीं मारा, क्योंकि वो जान चुके थे कि हम भी क्या हैं, गुनहगार हैं, पापी हैं। लेकिन उसका पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने ये जाना ही नहीं कि इसको कैसे मालूम है, हमारे बारे में जो लिख रहा है इसको कैसे मालूम है। ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये कैसे जानता है हमारे जीवन के बारे में। ये काम जो है, जो गुप्त में काम होगा, अक्सर कई बार लोग उनके बारे में जब भविष्यवाणी होती है, उनके दिल की बातें या कुछ ऐसे प्रकट होते हैं, वो सुन लेते हैं। लेकिन जिर्मिया ने कहा, आप पूछते हैं पर खुदा की मानते नहीं है। बहुत सारे पूछते जरूर हैं कि खुदा हमारे बारे में क्या कहता, लेकिन उसको मानते नहीं। पूछते जरूर हैं कि हमें सुदीपक जीवन का अधिकारी होना है, हमें क्या करना है। यीशु ने कहा, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। मानते नहीं है, उसके लिए क्या हो गया? कठिन हो गया। वो बात माननी क्या हो गई? कठिन हो गई। पूछते जरूर हैं कि खुदा हमारे लिए क्या बताते हैं, फिर उसको पूरा करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है वंदना। तो
लौट के आना होगा आपको खुदा की ओर। पुत्र आत्मा जो आपके लिए मार्ग आपके लिए रखा हुआ है, जो प्रकट कर रहे हैं, वो सच्चाई का आत्मा है, वो झूठ का आत्मा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको सच्चाई का आत्मा कहा है, लिखा है कि वो सच्चाई का आत्मा है, वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। वो आपके ऊपर वो प्रकट कर रहे हैं कि आपको कैसे चलना है, किस रास्ते पे चलना है, कैसे बढ़ना है, आपको वैसे ही चलना होगा। अगर आप उन बातों को तुच्छ जान रहे हैं, खुदा के वचन को तुच्छ जान रहे हैं, तो न्याय कहां से शुरू होगा? घर से। उसके होने वाले दुवादों ने उस बात को नहीं माना, उनके ऊपर भी क्या हो गया? न्याय आन वाला। तो अभी छुटकारे का वचन आपके पास पहुंच रहा है, भविष्यवाणियां पहुंच रही हैं, अभी भी आप लौट आए हैं। पाप के साथ समझौता ना करें, उन बातों जिन बातों में आप फंसे हुए हैं समझौता ना करें, उनसे निकल आए। प्रभु आपको आजाद करना चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं कि आप स्वतंत्र हो जाएं और सुदीपक जीवन के अधिकारी हो जाएं। तो आज ही अपने जीवन पर गौर करें, दूसरों की तरफ मत देखें, अपनी ओर देखें, क्योंकि पहले से ही आप इन भविष्यवाणियों को क्या करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो अपने जीवनों पर गौर करें और खुदा की इच्छा को समझें, खुदा की आवाज़ को सुनें। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना।